और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर 20 फीट गहरे गड्ढे में काम करते वक्त मजदूर गिर गए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रशासन इससे बेखबर है। 20 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर गिरा है और मजदूरों को बचाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। एक मजदूर की मौत की भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जोन एक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मौके से। भोपाल से बड़ी खबर, 20 फीट गड्ढे में गिरे मजदूर, काम करते वक्त 20 से 25 फीट गहरा गड्ढा था जिसमें मजदूर गिरे हैं और मजदूरों को बचाने में ग्रामीण जुटे हैं। एक मजदूर की मौत की खबर भी मिल रही है। जोन एक के लाऊखेड़ी में चल रहा है काम फिलहाल और नगर निगम को इसकी जानकारी तक नहीं है। पुलिस की टीम जरूर वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान दुखद मामला यह है कि एक मजदूर की इसमें जान चली गई है। नगर निगम के कर्मचारी सीवेज का काम करते गड्ढे में गिरे हैं। दो मजदूरों में से एक की मौत की खबर भी मिल रही है फिलहाल। और जिनका ये काम कर रहे थे, यानी कि नगर निगम का काम कर रहे थे, और नगर निगम का अमला अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा, इस तरह की जानकारी है। जितेंद्र ने, हमारे सहयोगी हैं, जो वहां का जायजा लिया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। हादसा होता है, दरअसल एक इंजीनियर और एक मजदूर सीवेज के गड्ढे में किसी कारणवश नीचे उतर जाते हैं, अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। उस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, भोपाल के स्टेट हैंगर से आगे लाऊखेड़ी जो गांव बना हुआ है, और यही वो सीवेज का गड्ढा है जिसे अभी फिलहाल यहां पर बंद कर दिया गया है। इसी गड्ढे के अंदर एक मजदूर नीचे उतरता है और फिर उसके बाद जब वो काफ़ी नीचे तक चला जाता है तो उसको बचाने के लिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो एक इंजीनियर है दीपक अंकिता कंस्ट्रक्शन का, जो कि नगर निगम का टेंडर लेकर यहाँ पर काम कर रहे थे, वो नीचे उतरते हैं, उनकी मौत हो जाती है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को आप देख सकते हैं जो किसी गाँव के निवासी, और यहाँ पर मौजूद भी, हमसे बात कर लेते हैं। क्या देखा था दादाजी आपने यहाँ पर? एक गड्ढे में घुसा था वो, और दूसरे को फिर रस्सी डाली उन्होंने, जब फड़फड़ाने लगा तो उसको फिर निकाला, तो उसको भी उसके साथ वो भी चला गया। अच्छा, मतलब पहले एक व्यक्ति अंदर था, उसको बचाने के लिए रस्सी डाली तो अंदर वो भी चला गया, फिर दोनों को निकाले तो एक तो खत्म हो गए और एक गाड़ी लेके चले गए वो। अच्छा, एक को गाड़ी में लेके चले गए। हाँ, और एक यहीं पड़ा रहा था, फिर जो वो पुलिस वाले आए उसके बाद फिर उन्होंने। अच्छा, कब से काम चल रहा था यहाँ पर? ये करीबन ढाई तीन बजे के कांड है। ढाई तीन बजे का है? काय का काम कर रहे थे वो लोग यहाँ पर? ये नाप रहे थे, क्या है गड्ढे में पता नहीं क्या कर रहे थे, सफाई के लिए चौक हो गए जी। बताए ना क्या हो रहा था यहाँ पर, क्या काम हो रहा था? सीवेज की सफाई चल रही थी, ओवर हो रहा था, तो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जा नहीं रहा था, तो उसको सफाई करने आए थे ये लोग, कि नाप रहे थे क्या कर रहे थे। गहरा तो काफ़ी है, 15 फीट गहरा है, तो उस हिसाब से एक उतरा, उसका पैर फिसल गया, क्या हुआ वो उसको बचाने के लिए दूसरा उतरा, दोनों डूब गए, तो स्थिति ऐसी हो गई कि फिर हल्ला मचा कि ये दो निकले को नहीं बाहर, इस तरह से। फिर पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद उसको बाहर निकाले कैसे करके, तो उसको एक को ले गया, फिर दूसरे को निकालने में भी टाइम लग गया, तो फिर दूसरे को भी निकाला। बिल्कुल, तो करीब 20 से 25 फीट जो ये गहरा गड्ढा है, जिसे इस समय यही कहा जा सकता है कि मौत का गड्ढा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोगों की जान को वो ले गया है अपने साथ। उत्तर प्रदेश के से आया था इंजीनियर जिसका नाम सामने निकल कर आया है, दीपक अंकिता कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी थे। नगर निगम का जो सीवेज का एक प्राइवेट टेंडर था वो उनके पास था, जिसको लेकर वो इस गड्ढे में यहाँ पर आए थे, मापने के लिए आए थे, यहाँ पर काम चल रहा था। उसी दौरान मजदूर का पैर फिसलता है, मजदूर अंदर जाता है, और जब उसे बचाने के लिए रस्सी डाली जाती है और इंजीनियर उसको खींचता है, तो उस दौरान इंजीनियर भी उसी गड्ढे में गिर जाता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। विजिलेंस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। विजिलेंस्ट, तो आसपास के लोगों को आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये यहाँ पर सीवरेज की सफाई के लिए आए थे, पानी ओवरफ्लो हो रहा था। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये गड्ढे में गिरा कैसे, मतलब सीवरेज का जो गड्ढा था उसमें ये व्यक्ति गया कैसे, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में दूसरा भी वहाँ पर नीचे उतरा और बाद में दोनों फंस गए, जिसमें से एक को ये बताया जा रहा है कि
डेथ घोषित किया गया। हालांकि अभी इस पर कंफर्म तौर पर नहीं बता रहे वहां के आसपास के लोग भी, ये पुलिस का अमला जो नगर निगम का अमला है ये ही बता सकता है। लेकिन इस तरह के कामों को लेकर ये हमेशा कहा जाता है कि पूरी जो सिक्योरिटी है वो दी जानी चाहिए लोगों को, क्योंकि नीचे गैस भी होती है, कई बार दम घुटने से भी जान चली जाती है। तो फिर क्यों, क्या बिना सिक्योरिटी के ये लोग नीचे गए थे, बिना सावधानी के गए थे? जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तमाम अपडेट उनसे लेते हैं। जितेंद्र, अभी क्या अपडेट मिल पाया है, पुलिस ने या नगर निगम ने कोई जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें नगर निगम की या पुलिस की, तो देखिए पुलिस ने यहाँ पर साफ तौर पर आकर जो बॉडियाँ थी उनको निकाला, उनका जो मर्ग है वो कायम किया है, दोनों को मर्चुरी भेजा गया है लाश को, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर की इसमें मौत हुई है और एक कर्मचारी की मौत हुई है। पूरा वाक्य ये था कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो टेंडर दिए जाते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, वो टेंडर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर एक कंपनी काम कर रही थी, उसका जो इंजीनियर था वो यहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसकी गहराई को नाप रहा था, सीवेज की जो गहराई है, उसके बाद जो एक प्राइवेट मजदूर था वो उस गड्ढे के अंदर उतरा था, और जब उसको ये लगा इंजीनियर को कि अंदर उसके हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं और वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, उसके बाद उसको रस्सी फेंकी जाती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि रस्सी फेंकने के बाद इंजीनियर भी उसी की चपेट में आ जाता है और उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल उसके जैसी मौत होती है उसके बाद तुरंत जो पूरा अमला था वो यहाँ पर आ जाता है, दोनों लाशों पहले एक लाश को ऊपर निकाला जाता है, जब पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है, दूसरी को भी निकाल के अस्पताल तक ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी भी जान जा चुकी होती है। और इस समय देखिए मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही सीवेज का गड्ढा है जिसके अंदर जो मौत है वो हुई है, और जो दो लोगों की मौत हुई है, एक मजदूर की और एक इंजीनियर की, वो इसी सीवेज के गड्ढे के अंदर हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीवेज का गड्ढा है ये मौत का सीवेज कहीं ना कहीं साबित हुआ है उन दो लोगों के लिए जिनकी इसमें जान चली गई है। हालांकि अब यहाँ पर नगर निगम की जो टीम है वो पूरी तरीके से जा चुकी है, पुलिस की टीम भी पूरी तरीके से जा चुकी है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अभी भी इस बारे में सफाई नहीं कोई नहीं दे पा रहा है कि आखिर उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्हें गड्ढे के अंदर उतरना पड़ा था, क्योंकि अभी तक जो सामने निकल कर आया था उसके मुताबिक गड्ढे के नीचे जाने का कोई काम ही नहीं था। आखिर मजदूर क्यों नीचे गया, उसने अंदर क्या काम वो करा था, और ऐसे में अंदर गैस पहले से बनी थी तो ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई थी, और उसके बाद जब इंजीनियर उन्हें बचाने गया तो वो भी इस गड्ढे की चपेट में आया। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम भी जांच कर रहा है, पुलिस ने भी मर्ग कायम किया, उस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहचान हो गई है इन दोनों लोगों की, इनके परिवार वालों के बारे में पता चल पाया, वो भी बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्यों आए थे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जो इंजीनियर है जिसका नाम दीपक था, उनकी नाम उनकी पहचान हुई है, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले थे और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे थे वो, और उसी कंपनी के चलते नगर निगम में जो टेंडर हुआ था उसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर आकर वो पूरी तरीके से जो काम है वो कर रहे थे। मजदूर के नाम की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि जो मजदूर था वो कहाँ से आया था, कौन था, उसको लेकर अभी भी पुलिस पूरी तरीके से जाँच कर रही है, लेकिन संभवतः कुछ ही देर के बाद दोनों ही जो मजदूर है उसके बारे में भी डिटेल्स पूरी पता चल जाएगी। और उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इंजीनियर के परिवार को भी सूचना दे जा चुकी है, उत्तर प्रदेश में उनका निवास है, और ऐसे में वो यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। हालांकि इस दुर्घट हादसे में दोनों की मौत हो गई, जिसमें इंजीनियर की पहचान दीपक के नाम से हुई है, तो वही मजदूर की पहचान और शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो बड़ा मामला ये सामने आया है, लेकिन नगर निगम का ये कहना है कि यहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं था, ऐसे में मजदूर क्यों नीचे गया, सवाल फिलहाल यहाँ पर ये बना हुआ है, और इसकी जांच फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है।